आज हमारी कल लेंगे इंस्पेक्टर साहब के प्रभारी के नेतृत्व वाली पूरी टीम और क्राइम ब्रांच की सर्वलांस जो दोनों ही टीमें और ICCC के पूरी टीम सीओ कर्नलगंज के नेतृत्व में काम कर रही थी। कुछ ही दिन पहले कर्नलगंज थाने से 3 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें से उसी घटना से संबंधित 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आज इनके पास से उस घटना में लूटा हुआ 2,72,000 रुपया बरामद हुआ है। अभियुक्तों के पास से 6 मोबाइल सिम और मोबाइल सेट भी मिले हैं। इनकी जो गाड़ियाँ 3 मोटरसाइकिल जो घटना में यूज हुई थी वो फेक नंबर की हैं, और ये जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में जो आधार कार्ड लगाया था वो भी फेक था, वो फर्जी निकला है जांच में, तो उस आधार पर इनके खिलाफ एक और अभियोग पंजीकृत किया गया है। जब पूछताछ के दौरान जो हम लोगों ने 17 दिसंबर को एक घटना हुई थी सिविल लाइन में एक्सिस बैंक में, जिसमें से एक बैग में 8 लाख रुपये जमा करने लेके आया था ग्राहक सेवा केंद्र से व्यक्ति, और उसका लेके एक बदमाश जाता हुआ दिखाई पड़ा था चोरी करके। दिखा गया तो उससे मैच करने लगा फोटो। पूछताछ में इसने स्वीकार किया कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, और इसके साथ 2 बदमाश और थे जिनके नाम पते उसने बताया, और ये वो घटना के बारे में पूरी तरतीब से विवरण भी बताया जो वहाँ मौके से मैच किया। सिविल लाइन घटना जो हुई थी 17 दिसंबर को, उससे संबंधित 2 अभी तक गिरफ्तारी को शेष है। जो कर्नलगंज में भी घटना हुई थी जिसमें 3 लाख रुपए की लूट हुई थी, इस घटना में 4 अभी जो शामिल थे गिरफ्तार हुए, 1 अभी तक गिरफ्तारी को शेष है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इनका जो घटना करके सीधे ही ये कानपुर और आगरा की तरफ निकले थे, और ये निकल के वापस जाल चले जाते जो रात की चेकिंग पे पकड़े गए हैं, अनिल फिर जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं। इन्होंने पूछताछ से बताया कि ये नॉर्मली कोई वीपन्स नहीं यूज करते हैं, और सामान्य तौर पे बहुत सेफ देखते हैं, जब लूटने की स्थिति तभी ये लूट करते हैं, और नहीं तो ये बिना किए हुए भी वापस शहर को छोड़ देते हैं। इनके मॉडस ऑपरेंडी में यह है कि ये जिस उसी शहर के लगभग मोबाइल वो ले लेते हैं गाड़ियों के नंबर, और खड़ी गाड़ियों में से देख करके या OLX से नंबर देख करके उसको डाल लेते हैं, और फिर क्राइम करने के बाद जब दूसरे टाउन्स में जाते हैं तो फिर नंबर बदल लेते हैं। ये इस तरह की एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, और जो शेष बचे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया है।